गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सर। तो आज हम फिर लेके आए हैं हमारी जो हमने हैंड राइटिंग के जो आपको वर्ण सिखाए थे उसके बाद हम आपको सिखाने जा रहे हैं अंक, यानी कि अंकों को हम कैसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अंक है क्या है वो वन। ठीक है, हम लिखेंगे इसको ऐसे। क्या है ये वन। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन बना देते हैं ताकि यह इफेक्टिव लग दे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया वन। ठीक है, और वन के बाद क्या आता है टू। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन बना देते हैं। ये बन गया हमारा टू। ठीक है, चौक को आपने उसी एंगल पे रखना है जैसे हम हिंदी में जैसे हमने वर्ण किए थे, उसी प्रकार हम अंकों को लिखते हुए भी चौक को उसी एंगल में रखेंगे। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए हमारा, एंगल जो चौक का हमारा हो इस प्रकार का होना चाहिए कि वह हमेशा इस एंगल में रहे, जहां से हम छोड़ते हैं उसको उसी एंगल से दोबारा उठाते हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग जहां से आप शुरू करेंगे ऐसे छोड़ रहे हैं तो आपका ऊपर भी वही होना चाहिए, और जहां से स्टार्टिंग करेंगे आपका जो चौक ऐसा ही होना चाहिए। आपको हाथ को उसके साथ नहीं घुमाना है, चौक आपने वैसे ही पकड़ के रखना है, सिर्फ चौक को घुमाते रहना है, अपने आप अक्षर वो बनते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद टू के बाद क्या आता है हमारा थ्री। तो हम लिखते हैं थ्री। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ा है, मैंने इसको यहीं ऐसे ही उठाया और इसको नीचे से घुमा दिया, ये बन गया हमारा थ्री। वन टू और टू के बाद थ्री। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन बना देते हैं ताकि यह अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके, ये देखिए वन टू थ्री। थ्री के बाद क्या आता है फोर। ठीक है, अब फोर को हम टू टाइप से लिखेंगे। ठीक है, एक तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने भी लिखे देखे होंगे ऐसे इस प्रकार, और दूसरा जो इसका रूप है वो हम आपको करके दिखाएंगे अभी। ये है हमारा फोर। ठीक है, और दूसरा जो हम चार लिखते हैं हम उसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी हमारा चार है, जैसे हिंदी का हमारा पावर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा चार बन गया, हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा चार बन गया, वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और फोर के बाद क्या आता है अपना फाइव। ठीक है, तो फाइव को हम कैसे लिखेंगे, लिखते हैं यहां जिस एंगल से हम लिखते हैं जहां पर छोड़ते हैं उसी एंगल से हमने उसको उठा के दूसरी जगह पे लिखना है। तो ये हमारा फोर के बाद जो डिजिट है वो है फाइव। तो हम यहाँ पे फोर के बाद क्या लिख दिया हमने फाइव। ठीक है, हम इसकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं ताकि यह आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, ये हमारा फाइव बन गया। ठीक है, फाइव के बाद क्या आता है फिर सिक्स। तो सिक्स को हम बनाएंगे, ये देखिए फाइव के बाद हमारा सिक्स बन गया, और हम इसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं ताकि यह अच्छे से दिखाई दे आपको। ये बन गया हमारा सिक्स। ठीक है, सिक्स के बाद क्या आता है सेवन। तो ये हमारा सेवन बन गया। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन कर देते हैं ताकि यह अच्छे से दिखाई दे।
ठीक है, ये हमारा 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे, पहले हम ऊपर का पार्ट इसका बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम यहां इसको नीचे से ले लेते हैं, जो ऊपर की जो हम शून्य बना रहे हैं वह है थोड़ी छोटी बनानी है और नीचे की थोड़ी बड़ी बनानी है, ठीक है, हम इसको आउटलाइन दे रहे हैं, ये देखिए ये हमारा 8 और 8 के बाद क्या आता है 9, ये हमारा 9 बन जाता है और हम इसको आउटलाइन दे देते हैं ताकि यह आपको अच्छे से दिखाई दे, ये बन गया हमारा 9, ठीक है, हमारा एक डिजिट और बच गया है, क्या है वो शून्य, ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे देखो यहां पे, ये बन गया हमारा शून्य और हम इसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं ताकि यह आपको अच्छे से दिखाई दे। इस प्रकार हम इन अंकों को लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे 1 से लेके 9 तक और एक शून्य मिलाने से ये हमारे 10 डिजिट बन जाते हैं, ठीक है, 4 को हम इस प्रकार लिखते हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ठीक है, आप इन अंकों की प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप चाहो तो इसको घर के बोर्ड, घर पे एक बोर्ड ले लें और बोर्ड के ऊपर इसको लिखने की प्रैक्टिस करें तो आपके ये अंक बन जाते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको इनकी शैडो बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार इनकी शैडो बनती है, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।